58 साल के बाद यह मौका आया जब गांधी की धरती पर कांग्रेस की सबसे ताकतवर कमेटी मंथन के लिए इकट्ठा हुई। सामने लोकसभा चुनाव है और पार्टी शायद सबसे खराब दौर से गुजर रही है। ऐतिहासिक साबरमती आश्रम में राहुल, सोनिया और दूसरे वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं ने बापू को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान प्रियंका ने लोगों को हैरत में डाला। राहुल, सोनिया के साथ बैठने की जगह महासचिवों के लिए आरक्षित स्थान पर बैठना ठीक समझा। इसके बाद सरदार पटेल भवन में कार्य समिति की बैठक शुरू हुई। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद कांग्रेस की ये सबसे अहम बैठक। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि 2019 में सरकार कांग्रेस की बनेगी। आक्रामक रूप के साथ राहुल ने कहा, कांग्रेस शहीदों को नमन करती है, उनके परिवार के साथ है, लेकिन सरकार को उनकी कुर्बानी पर राजनीतिक रोटी नहीं सेकने दी जाएगी। सरकार असल मुद्दों की जगह राष्ट्रवाद को हवा देकर चुनावी फायदे की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस बेरोजगारी, किसानों की बर्बादी और राफेल घोटालों पर सवाल दागती रहेगी। अनिल अंबानी ने जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया है और मैं गारंटी करके कहता हूँ, अगर अनिल अंबानी को आपने कागज दे दिया और उनको कहा भैया कागज का हवाई जहाज बनाओ, अनिल अंबानी की कागज का हवाई जहाज नहीं बना पाएंगे। उनके लिए कर्जा माफ, उनके लिए प्राइवेट हवाई जहाज, एयरपोर्ट, पोर्ट जो चाहिए, आपकी जमीन, जंगल, जल, जो भी उनको चाहिए, बिजली, और आपके लिए नोटबंदी, जब्बर सिंह टैक्स, आतंक हत्या। सीडब्ल्यूसी की बैठक में प्रियंका गांधी ने न्यूनतम आय गारंटी योजना को बड़े चुनावी दावे की तरह पेश करने की बात कही। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका ने इस न्याय योजना का नया नाम दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने न्यूनतम का न्याय, आमदनी का आ और योजना का या मिलाकर नाम सुझाया न्याय। अब कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में इसको शामिल करेगी और उम्मीद करेगी इसके जरिए वोट बटोरने की। सोनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप मढ़ा। सोनिया ने कहा कि मोदी खुद को पीड़ित बताते हैं, जबकि असल में जनता पीड़ित है। सरकार झूठा प्रचार कर रही है, खराब नीतियों की वजह से अर्थव्यवस्था की हालत बदतर है। दूसरी शक्तियां इस देश को कमजोर करने में लगी। 15 लाख रुपए वापस करने का कहा था, मिल गया आपको 15 लाख रुपए? नहीं। आगे आपके बैंक अकाउंट में जहां भी जाते हैं कोई ना कोई झूठ बोल जाते हैं। कांग्रेस पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर रही है, लेकिन पार्टी में हर तरफ भगदड़ मची है। 7 दिनों में गुजरात में ही कांग्रेस के 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, तो महाराष्ट्र में कांग्रेस को झटका लगा है। नेता प्रतिपक्ष राधाकृष्ण विखे पाटिल के बेटे सुजय विखे पाटिल बीजेपी में शामिल हो गए। महाराष्ट्र में ही प्रकाश अम्बेडकर ने कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात को पूरी तरह से नकार दिया। अहमदाबाद से सुप्रिया भारद्वाज और कुमार विक्रांत सिंह के साथ